मित्रों, सनातन धर्म में अनेकों वेद पुराण हैं, जिसे पढ़कर व सुनकर मनुष्य सभी पाप पुण्य व जन्म मृत्यु के बंधनों से परे होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो समस्त वेद पुराणों को पढ़ पाना कठिन है, परंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर मनुष्य को पढ़ना व सुनना ही चाहिए। सनातन धर्म के उन्हीं वेद पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जो भगवान विष्णु के भक्ति व उनके ज्ञान पर आधारित है। कश्यप ऋषि के पुत्र व भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ व भगवान विष्णु के बीच का संवाद है, जिसे हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात सुना व सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसे अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद उन लोकों में रहने वाले प्राणियों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता का भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु रोग व अभिषित वस्तु का वियोग है, व पातालोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय का दुख बना रहता है। अतः आप मुझे प्राणियों के जन्म, मृत्यु, यमलोक, नरक व आत्मा आदि के रहस्यों को बताने की कृपा करें। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए उन समस्त प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में समाहित है, जो भगवान विष्णु ने गरुड़ को और गरुड़ ने कश्यप ऋषि को सुनाई थी। बाद में महर्षि वेदव्यास ने गरुड़ पुराण की रचना की। तो आइए एक एक करके मैं आपको गरुड़ पुराण में बताई गई उन सारी बातों को बताऊंगा, जिसे सुनना अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, आपने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसका समाधान मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पिछले जन्मों कर्मों का प्रतिफल भोगता हुआ और अपने वर्तमान जन्म में अच्छे व बुरे कर्म करता हुआ जब मरणासन्न अवस्था में पहुँचता है, तो शरीर में कई प्रकार के रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं। एक सर्प की भ्रांति अचानक ही वह मौत के जकड़न में जकड़ने लगता है। वह व्यक्ति अपने ही घर में असहाय, अपाहिज, शारीरिक व मानसिक कष्टों से युक्त, कठिन पीड़ाओं से पीड़ित, अपने मन और जीने की इच्छा रखे हुए अत्यंत ही दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब उस व्यक्ति के मरणासन इंद्रियों का समूह व्याकुल होकर उसकी चेतना जड़ीभूत हो जाती है, तब उसके अंतिम क्षण में एक दिव्य अलौकिक चेतना आती है। उस चेतना में पहुंचा वह व्यक्ति को सभी लोग एक समान प्रतीत होता है। उस वक्त वह व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं सकता। वह वक्त होता है जब प्राणी के प्राण उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है और यमदूतों के द्वारा जकड़ ली जाती है। जब प्राणी के प्राण अपने भौतिक शरीर को छोड़ता है, तब उस व्यक्ति को भयंकर पीड़ा होती है जो असहनीय होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारा हो। उसी वक्त मुँह से झाग आदि निकलता है और सारा मुँह थूक खघार से भर जाता है। उस वक्त एक अंगूठे जितनी बड़ी आत्मा हाहा करता हुआ भौतिक शरीर से बाहर निकलता है। उस वक्त जो प्राणी पापी प्रवृत्ति का होता है, उसे यमदूत अपने बंधनों में जकड़ लेते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक स्वर्ग ले जाते हैं। भीमकाय व अति भयंकर दिखने वाले यमदूतों को देखकर पापात्मा के मन में भयंकर डर समाहित हो जाता है और वह जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे की आकार की वह आत्मा अपने घर व सभी परिजनों को देखता व सहायता के लिए गुहार लगाता है, परंतु यमदूत उसे घसीटते हुए, मारते पीटते हुए, दुर्गम यातनाएं देते हुए भयानक रास्ते से होकर यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के अति भयावह काया को देखकर वह जीवात्मा भय से कांपने लगता है। उसके बाद यमदूत उसे पुनः यमराज के आदेशानुसार उसे उसके मृत स्थान पर वापस छोड़ने आते हैं। वह वापस अपने शरीर में जाने की बार बार चेष्टा करता है, परंतु यमदूत के फंदे से वह ऐसे जकड़ा रहता है कि चाहकर भी वह अपने शरीर में नहीं पहुँच पाता। उस आत्मा को भूख प्यास सताती है, वह रोता चीखता रहता है। उसके पुत्रों द्वारा अर्पित किया हुआ चावल की खीरे वह जानवरों की भ्रांति खाता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो पाता। और जिन आत्माओं को यह खीरे नहीं मिलती, वह सुनसान जंगल में भटकते रहता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई कुछ और बातें बारी बारी से बताऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।